अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देश का 5 साल प्रधानमंत्री रहा है केदारनाथ जी, कुछ जो माफ करने लायक है वो माफ कर दीजिएगा, जो माफ करने लायक नहीं है उसके लिए इनके साथ इनकी पार्टी को भी कह दीजिएगा कभी अब भविष्य में नहीं आओगे, नो फ्यूचर। आरक्षित करने का हक सबको है, मोदी जी को भी है। उन्होंने चुनाव भर में जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और संवैधानिक संस्थाओं का उन्मूलन किया है और 5 साल जिस तरीके से जनता को धोखा दिया है, गलत वादे किए हैं, खोखले वादे किए हैं, तो उसके प्रायश्चित का भी उनको हक है। और साथ साथ अब जिस तरीके से उनके देखा देखी गांधी का अपमान हो रहा है, चुनावी आचार संहिताएं तो भंग हो रही हैं, अब गांधी का अपमान हो रहा है, उसके लिए भी उनको प्रायश्चित करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने भगवान केदारनाथ के साथ भी कई झूठ बोले और उन्होंने गंगा माँ का अपमान किया। 5 साल कहा स्वच्छ गंगा और गंगा पहले से ज़्यादा और गंदगी, जलवादी गंद, तो जो गंगा के साथ, भगवान केदार के साथ, देश के साथ, संविधान के साथ उनकी उन्होंने गलतियाँ की हैं, जो ज्यादतियाँ की हैं, उसका प्रायश्चित का उनको हक है। और इसीलिए अच्छा है वो एकांतवास में प्रायश्चित कर रहे हैं, और क्योंकि ये प्रायश्चित करने का भी उनके लिए अंतिम अवसर है प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि 23 तारीख को देश की जनता का निर्णय सुना दिया जाएगा और उस निर्णय में मोदी जी के लिए कोई स्थान है।